जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज का जीवन चरित्र। एक बार फिर से बड़वानी गमन। पूज्य श्री महाराज जी लगभग 3 वर्षों से बड़वानी नहीं जा सके थे। बुलाने के लिए वहां के लोगों का आग्रह निरंतर बढ़ता जा रहा था। श्री महाराज जी इन दिनों बहुत अस्वस्थ रहने लगे थे। परिकर जन नहीं चाहते थे कि श्री महाराज जी लंबा सफ़र करें या श्रीधाम छोड़कर कहीं जाएं। अधिक सफ़र करने से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका से सभी डरते थे। श्री महाराज जी तो परिकर जनों के प्राण ही थे। उनके बिना रहना सभी को असहनीय हो जाता था। विशेषकर श्री देवी जी तो बहुत ही व्याकुल एवं दुखी हो जाती थीं। इसलिए श्री महाराज जी भी प्रायः जब कहीं जाना ही होता था तो बिना कुछ कहे सुने निकल जाते थे। पीछे से पता चलता था कि कहाँ गए हैं, क्यों गए हैं। उनका इस तरह परिकर जनों को एकदम आश्चर्य में डाल देने का कौतुक ही स्वभाव था। इस बार भी उन्होंने बड़वानी जाने का मन ही मन निश्चय कर लिया, पर बात किसी से प्रकट भी नहीं की। 16 जून को प्रातः ठाकुर जी को साथ लेकर नित्य की भांति घूमने गए। कुर्ते के ऊपर केवल एक चादर ओढ़े हुए थे। घूमते हुए श्री कमला जी के यहाँ गए। श्री ठाकुर जी को भी श्री महाराज जी के मनोभाव का कुछ पता नहीं था। एकदम दिल्ली जाने का प्रस्ताव रखा और कमला जी की कार द्वारा वे घनश्याम जी को लेकर दिल्ली चले गए। सर्वदा की तरह लाल जी के यहाँ ही ठहरे। वहाँ श्री धाम फोन कर दिया कि 4-6 दिनों में स्वास्थ्य परीक्षण करवा कर आ रहे हैं। 4-5 दिनों के बाद जब देवी जी ने फ़ोन किया तो पता चला कि श्री महाराज जी 22 जून को राजकोट चले गए। श्री महाराज जी राजकोट में मणि भाई के यहाँ 10 दिन रहे। वे 17 वर्ष पश्चात वहाँ गए थे। वहाँ के सभी भक्त श्री महाराज जी के सत्संग एवं कीर्तन का लाभ लेने के लिए एकत्रित हो गए थे। राजकोट में उन दिनों श्री कृष्ण शंकर शास्त्री जी का भागवत सप्ताह हो रहा था। श्री कृष्ण शंकर शास्त्री जी श्री महाराज जी से पिछले कई वर्षों से परिचित थे तथा उनके प्रति अत्यधिक पूज्य भावना रखते थे। इनके आश्रम में एक विशाल भागवत विद्यापीठ बना हुआ है, जहां विद्यार्थी श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हैं। श्री महाराज जी कुछ समय कथा में बैठकर अपने स्थान पर लौट आए। कथा समाप्त होते ही श्री शास्त्री जी वहीं आ पहुँचे और अपने साथ प्रसाद ग्रहण करने हेतु चलने का आग्रह करने लगे। परंतु श्री महाराज जी का कार्यक्रम कहीं और निश्चित होने से श्री महाराज जी ने असमर्थता प्रकट की। श्री कृष्ण शंकर शास्त्री जी ने कहा, कथा के कारण मैं तो यहाँ बंधा हुआ हूँ, आपको साथ लेकर नहीं जा सकता। पर आप जाते समय अहमदाबाद 16 में भागवत विद्यापीठ अवश्य देखें। श्री महाराज जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। श्री शास्त्री जी ने राजकोट के दैनिक समाचार पत्रों में यह समाचार प्रमुखतया छपवाया। वृंदावन धाम से एक महान संत श्री बालकृष्ण दास जी महाराज सप्ताह कथा में आए हैं। राजकोट से जाते समय श्री महाराज जी अहमदाबाद में भागवत विद्यापीठ देखने गए एवं कुछ घंटे वहाँ रुके। आइए अब सुनते हैं 2 महान विभूतियों का अंतिम मिलन। पूज्य श्री महाराज जी 7 अगस्त को बड़वानी से श्रीधाम लौट आए। अपने निज परिकर को सुख देते हुए 26 अगस्त तक परमानंद पूर्वक वेणु विनोद कुंज में विराजित रहे। वैसे तो श्री बाबा के प्रेमवश राधा अष्टमी के अवसर पर हर वर्ष ही श्री महाराज जी का गोरखपुर जाने का नियम सा ही बन गया था, परंतु इस वर्ष आपका वहां जाने का विचार कुछ शिथिल सा ही हो रहा था। इस बात को श्री कुसुम जी ने श्री कमल जी को लिख दिया। कमल जी ने जब यह बात श्री बाबा से कही तो बाह्य स्मृति शून्य भाव विभोर स्थिति में निरंतर रहने वाले श्री बाबा श्री राधा बाबा एकदम चौंके और अंग्रेजी में कहा, आई एक्चुअली वांटेड दी, मुझे सचमुच ही तुम्हारी आवश्यकता है। यह वाक्य श्री कमल जी ने यहाँ लिख भेजा। तब तो श्री महाराज जी का गोरखपुर जाना निश्चित हो गया। उन्होंने 27 अगस्त को दिल्ली के लिए प्रस्थान किया और वहाँ से 30 अगस्त को रवाना होकर 31 अगस्त को गोरखपुर पहुँच गए।
श्री महाराज जी के वहां पहुंचते ही मानो गीता वाटिका में एक आनंद की बहार सी आ जाती थी। एक उत्सव का वातावरण छा जाता था। वाटिका के कर्मचारीगण, माली इत्यादि भी उत्साह से एक दूसरे से कहते हुए कि वृंदावन से श्री महाराज जी आ गए हैं, अपना आनंद प्रकट करते थे। गीता वाटिका का कण कण आह्लादमय हो उठता था। भक्तगण तो प्यासे चातक की तरह श्री महाराज जी की बाट जोहते रहते थे। श्री बाबा को लेकर वहाँ कुछ भी समस्या उत्पन्न होती तो उसे सुलझाने के लिए भक्तगण श्री महाराज जी का ही आश्रय लेते थे। एक बार श्री बाबा की भिक्षा में 2-3 दिन तक लगातार नमक की मात्रा अधिक हो गई। एक दो बार भिक्षा बनाने वालों को संकेत करने पर भी भूल की पुनरावृत्ति होती देख श्री बाबा ने एकदम निर्णय ले लिया कि मैं बिना नमक की भिक्षा ही लूँगा। अब तो वाटिका में सभी घबरा गए। भिक्षा बनाने वालों के कष्ट का तो कहना ही क्या, यदि बाबा ही नमक नहीं लेंगे तो भला सब और कैसे लेंगे। क्या करें क्या ना करें, विष्णुहरि डालमिया तथा और भी भक्तजन श्री महाराज जी के पास समस्या के समाधान हेतु दौड़े दौड़े आए। श्री महाराज जी की आज्ञा से ठाकुर जी ने बाबा से निवेदन किया, आपके नमक छोड़ने से श्री महाराज जी को बहुत कष्ट है, यदि आप बिना नमक की भिक्षा करेंगे तो श्री महाराज जी नमक कैसे ले सकते हैं। श्री बाबा ने कहा, अपनी अंतर्दृष्टि से महाराज जी देखें कि मैंने उचित किया है या अनुचित। मेरी इच्छा है महाराज जी नमक न छोड़ें। फिर श्री महाराज जी ने ये पंक्तियाँ लिखकर भेजी, इस बार भिक्षा में जिनकी भूल हुई है उन्हें क्षमा किया जाए, आगे यदि फिर भूल हुई तो विचार करेंगे। पढ़ते ही श्री बाबा ने नमक की भिक्षा लेना स्वीकार कर लिया। सभी के मुरझाए मुख प्रसन्नता से खिल उठे। इस प्रकार श्री महाराज जी के वहाँ पहुँचने पर सभी को एक संबल सा मिल जाता था, क्योंकि कई वर्षों से श्री बाबा उन्मत्त या प्रकृति बाह्य दशा में ही प्रायः रहे थे। इससे प्रेमी लोग कुछ व्यथित से ही थे। श्री महाराज जी के पहुँचने पर श्री बाबा भी कुछ प्रकृति स्थित हो गए और राधाअष्टमी उत्सव सानंद संपन्न हुआ। उनका स्वास्थ्य भी ठीक ही रहा। यह सब श्री महाराज जी की उपस्थिति मात्र का चमत्कार था। 23 सितंबर को पूज्य श्री भाई जी का श्राद्ध दिवस था। उनका शताब्दी जन्मोत्सव भी वर्ष भर से मनाया जा रहा था। श्री महाराज जी ने श्री धामोन्मुख जाने का अपना कार्यक्रम बनाया। तदनुसार 24 सितंबर को लखनऊ तक का आरक्षण हो गया था। इधर पूज्या माँ श्री भाई जी की पत्नी का स्वास्थ्य कुछ दिनों से बहुत ही चिंताजनक था। 5 दिन से वे बेहोशी की अवस्था में ही पड़ी थी। श्री धाम जाने के लिए पूज्य बाबा से आज्ञा ले ली गई थी, परंतु ऐसा लगता था बाबा के मन में कुछ और ही विचार हैं जिसे वे प्रकट नहीं कर रहे हैं। 24 तारीख को स्टेशन जाने के लिए श्री महाराज जी का सब सामान कार पर रख दिया गया। गाड़ी का सही समय जानने के लिए स्टेशन फोन किया गया तो पता चला कि गाड़ी 8 घंटे लेट है। समय निकट आने पर पुनः फोन किया गया तो पता चला गाड़ी 18 घंटे लेट है। सब बड़े असमंजस में पड़ गए। श्री भाई जी की पुत्री श्री महाराज जी के पास आई और कहने लगी, माँ की तबीयत तो बहुत गंभीर है, क्या आप ऐसी स्थिति में भी चले जाएंगे। श्री महाराज जी ने अपना जाने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। दूसरा दिन बीत गया, माँ की स्थिति गंभीर होती जा रही थी। 24 सितंबर से ही उनकी अंतिम स्थिति के लक्षण दिखने लगे थे। श्री बाबा और श्री महाराज जी माँ के सिरहाने बैठे हुए थे। ऊर्ध्व श्वास चल रहा था। श्री घनश्याम जी, कुसुम जी और आत्मीयजन माँ के कमरे के पास ही बैठे हुए थे। किसी कारण से श्री घनश्याम जी उठकर श्री महाराज जी के पास गए तो बाबा समझे कि वे महाराज जी को यहाँ से ले जाना चाहते हैं। श्री बाबा कहने लगे, ठाकुर, श्री महाराज जी को कहाँ ले जा रहे हो। ले नहीं जाना, मेरी और महाराज जी की सम्मिलित भावधारा से ही माँ को युक्त जगह पहुँचाना है। तारीख 26 को 9:20 पर माँ का अंतिम प्रयाण हुआ। 27 तारीख को यथाविधि उनका अग्नि संस्कार गीता वाटिका में ही श्री भाई जी की समाधि से कुछ ही दूरी पर किया गया। ये सभी समाचार फोन द्वारा वृंदावन दे दिए गए। 28 सितंबर को वृंदावन के लिए प्रस्थान करते समय पूज्य श्री महाराज जी बाबा के पास विदाई लेने गए। सर्वदा की तरह वे बाबा के निकट की चौकी पर बैठ गए और उनके हाथ अपने हाथों में लेकर कहा,
मैं फिर आपके साथ ही बैठकर रासलीला के दर्शन करूँगा। यह कहने के मूल में श्री महाराज जी की यही भावना थी कि तब तक वे रहें और स्वस्थ रहें। जनवरी में श्री बाबा के जन्मदिन पर रासलीला का आयोजन निश्चित किया गया था, उसी की ओर श्री महाराज जी का संकेत था। परंतु बात को बीच में ही काटते हुए श्री बाबा ने कहा, प्रभु अब की बार तो मैं आपके साथ ही चल रहा हूँ, आपके रोम रोम में समा जाना चाहता हूँ। ऐसा कहकर पूज्य श्री बाबा अत्यंत गंभीर हो गए। पूज्य श्री महाराज जी सजल नेत्रों से एकटक उन्हें देखते रहे और इस स्थिति में हाथ पकड़े दोनों महापुरुष श्री भाई जी के समाधि स्थल तक आए। यहीं से श्री बाबा ने श्री महाराज जी को विदाई दी। दो विभूतियों का यह अंतिम मिलन था। गोरखपुर से रवाना होकर श्री महाराज जी लखनऊ पहुँचे। वहाँ मनकापुर रानी साहिबा की कोठी में 3 दिन रुककर सभी को कीर्तन एवं सत्संग का लाभ देते हुए श्री उषा जी झुनझुनवाला के आग्रह पर कानपुर पहुँचे। वहाँ बैंक मैनेजर श्री रामकृष्ण शुक्ल जी, विमल नारायण जी शुक्ल इत्यादि प्रेमियों को सत्संग का लाभ देते हुए 4 अक्टूबर को श्री लाल जी के यहाँ दिल्ली पहुँचे। वहाँ 4 दिन विश्राम करके 9 अक्टूबर को वे श्रीधाम आ गए। वेणु विनोद कुंज में आनंद छा गया। पूज्य श्री राधा बाबा का लीला प्रवेश। पूज्य श्री महाराज जी 9 अक्टूबर 1992 को गोरखपुर से श्रीधाम आ गए थे। एक ही दिन पश्चात गोरखपुर से समाचार आया कि श्री बाबा की तबीयत अचानक चिंताजनक हो गई है। दस्त और वमन होने से अत्यधिक कमजोरी आ गई है, ग्लूकोज चढ़ रहा है। दूसरे दिन फ़ोन आया कि तबीयत सुधार पर है, हमें कुछ शांति मिली। तीसरे दिन फ़ोन आया कि श्री बाबा की स्थिति अत्यंत चिंताजनक हो गई है, पसली में दर्द है, सांस तेज हो गया है, ऑक्सीजन दिया जा रहा है और ग्लूकोज भी चढ़ रहा है। ऑक्सीजन की बात सुनकर श्री महाराज जी को बहुत चिंता हुई। वे गोरखपुर जाने की सोचने लगे। यहाँ से फ़ोन लगाकर बार बार पता लगाते रहे। 12 अक्टूबर को रात को फ़ोन पर श्री जगदीश जी से बात हुई। उन्होंने बताया बाबा की स्थिति सुधार पर है, ऑक्सीजन हटा दिया गया है, ग्लूकोज चढ़ रहा है, श्री बाबा को चम्मच से कुछ चटाया भी है। इस सूचना से सभी को शांति मिली। उस रात श्री महाराज जी ने विश्राम किया थोड़ा सा। 13 अक्टूबर को सुबह शीघ्र ही श्री महाराज जी ठाकुर जी को साथ लेकर श्री बाबा के स्वास्थ्य के समाचार जानने हेतु श्री कमला जी के यहाँ गए और गोरखपुर फोन लगाया। श्री हरि जी ने वहाँ से बताया श्री बाबा की तबीयत ठीक है। श्री महाराज जी प्रसन्न हुए और पुनः थोड़ी देर बाद फ़ोन लगाने हेतु श्री राधा रमण जी को वहीं बैठाकर हरि निकुंज तक ही आए होंगे कि पीछे से राधा रमण जी भागते हुए आए। रोते हुए उन्होंने श्री महाराज जी को बताया कि बाबा नहीं रहे। श्री महाराज जी को बहुत धक्का लगा। वे स्वामी श्री राम जी के यहाँ जाकर लेट गए। कुछ समय पश्चात घनश्याम जी के साथ वेणु विनोद कुंज में आए। दोनों ही अत्यंत उदास, अत्यंत दुखी। श्री मीरा जी ने कुंज में यह दुखद समाचार पहले ही दे दिया था। कुंज में उदासी छाई थी, सभी के नेत्र छलक रहे थे। पूज्य बाबा ने 13 अक्टूबर 1992 को प्रातः 8:30 बजे लीला संवरण कर ली थी। उस समय श्री सीताबाई पोद्दार की कार मंगाई गई। 1 घंटे में ही श्री महाराज जी गोरखपुर जाने के लिए दिल्ली रवाना हो गए। साथ में श्री ठाकुर जी, कुसुम जी, राधा रमण जी तथा वृंदावन से और भी कई लोग गए। दिल्ली पहुंचकर विशेष प्रयत्न से वैशाली ट्रेन में आरक्षण मिल गया और हम सब श्री महाराज जी के साथ शाम को 7:30 बजे गोरखपुर के लिए रवाना हो गए। दिल्ली से गोरखपुर फ़ोन कर दिया गया था। दूसरे दिन सुबह 8:30 बजे वहाँ पहुँचे। गीता वाटिका के कुछ लोग प्रतीक्षारत थे। 2 गाड़ी श्री महाराज जी को लेने भेजी। सभी वाटिका पहुँचे। वहाँ तो शोक का सागर उमड़ रहा था। श्री महाराज जी को देखकर सभी फूट फूट कर रो पड़े। श्री महाराज जी को धीरे धीरे श्री बाबा के पास ले गए। श्री बाबा को एक तख्त के ऊपर कुर्सी पर बैठाया हुआ था। सन्मुख जाते ही श्री महाराज जी के नेत्रों से
अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। वे कुछ समय तक श्री बाबा के सामने खड़े रहे। निकटस्थ जनों ने श्री महाराज जी के हाथ में माला दी, जिसे उन्होंने पूज्य श्री बाबा को धारण करा दी। माला धारण कराते ही श्री महाराज जी स्थिर हो गए। हम सब ने श्री बाबा के चरण छुए, सभी के नेत्र बह रहे थे। जय श्री राधे, आगे हम कल सुनेंगे।